हेलो क्लास सेवन, कैसे हैं आप सब। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। पहला चैप्टर जो था आपका वो था इंटीजर, है ना। इंटीजर्स आपका ओवर हो चुका है। दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैंने बताया था। और अब इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, आज की वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 2.1 आप करेंगे, आप एज ए होमवर्क करेंगे, ठीक है। और जो वीडियोस, अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड या फिर इंटीजर्स के, तो आपको वीडियोस आप जाकर देख लें, जिससे आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में सबसे पहला पार्ट जो है पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिनके डिनोमिनेटर्स नहीं होते हैं सेम वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहां पर क्या है कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अगर अलग अलग है तो हम उसको कैसे सेम कर सकते हैं वो देखेंगे यहां पर। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया है 2/3 एंड 5/9, ये दोनों है। अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और इनका 9 है, अलग अलग है। तो मुझे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर इनके क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 3 and 9 will be 9, ठीक है। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर मुझे इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका तो 9 है, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 9 में कन्वर्ट करना है। 9 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2/3 विल बी 2 × 3 / 3 × 3, इट विल बी 6/9, एंड हियर इट विल बी 5/9। यहाँ पर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 9 × 1, सो इट विल बी 5/9। सो यहाँ से क्या हुआ कि ये दोनों, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन में, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर ज़्यादा हो गए फ्रैक्शंस, जैसे यहाँ पर एक और फ्रैक्शन है, तो उसको क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। जो अगला टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो अगर लाइक फ्रैक्शन है, जैसे 5/9 एंड 7/9 को ऐड करने के लिए कहा जाए, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इनके इसके इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। और मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा 5/7 12/9, ठीक है। ये होता है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना। सेम वे में अगर सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ अभी, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 5/7 - 2/3
वो कौन से हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे, 5 माइनस 2 इज 3 अपॉन 7, ठीक है, 3 अपॉन 7 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर ये आंसर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हुई लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, अगर अनलाइक होंगे, सपोज यहां पर 14 अगर है या फिर 10 जो भी मान, अगर 14 मानते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते, इनको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लाइक में कन्वर्ट करने का मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, उन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के डिनोमिनेटर 14 बनेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, 5 × 10 अपॉन 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अपॉन 14 भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गया 14, और यहाँ पर 10 माइनस 2 इज 8 अपॉन 14, इसको कैंसिल करोगे तो 4/7 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में ही होंगे, ठीक है। अगर वो अनलाइक हैं तो आपको एलसीएम लेकर सबसे पहले उनको लाइक में कन्वर्ट करना है, जब लाइक में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो जनरल रूल है वो क्या है कि हमें पहले तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब आपके एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इम्प्रॉपर में मतलब देखो यहाँ पर 2 होल नंबर 3/4 है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर में, और उसमें ऐड हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर हो जाएगा 4 × 8 प्लस 3 अपॉन 4, इट विल बी 11/4। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बस इतना ही करना है आपको हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अगला है सेकेंड, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब इस तरह से है और इस तरह से करना है, तो कैसे करेंगे देखो, पहला क्वेश्चन देख लो सेकेंड का, एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये दिया है 12/5 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट। तो 12 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 × 10 यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये जो 2 है जो कोशेंट है ये होल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है दिस विल गो टू द न्यूमरेटर एंड दिस डिवीजन 5 विल बी द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवीजन जो डिवाइड कर रहा है 5 वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है डिवाइड करके, यहाँ पर जो आएगा याद रखना जो कोशेंट होगा वो यहाँ पर आएगा होल नंबर में, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो यहाँ पर बचा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवीजन कहते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, ठीक है। डिवीजर मीन्स भाग देने वाला, तो ये भाग देने वाला है, इससे भाग दिया जाएगा वो डिवीजर होगा, तो यहाँ पर 2 होल नंबर 2/5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन कर लो। फिर आते हैं थर्ड फोर्थ पे, कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए आपको पहले तो जैसे यहाँ पर दिया है 5/9 एंड 11/15, तो सबसे पहले तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया है एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम निकाला तो आएगा 9 × 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 × 15 का एलसीएम होगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 5 + 5 = 1 एंड 1, 3 × 3 = 9 = 45।
तो 45 जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मुझे इसको 45 में कन्वर्ट करना है, तो 95 है, 55 है, 25 अपॉन 45 मींस इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 33 अपॉन 45 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शंस में। अब जब लाइक फ्रैक्शंस में आ गए तो मुझे डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसको कंपेयर करना है, 25 और 33 में कौन सा बड़ा है, 33 बड़ा है। तो जब 33 बड़ा है तो 33 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 अपॉन 15 को, तो 11 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 9। ठीक है, इस तरह से आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले तो एलसीएम निकालो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। और क्या है देखो इसमें, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द सम, ये मैंने बताया आपको कैसे करना है, ठीक है वो आप कर लेंगे। डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, पहले मिक्स्ड में है तो उसको इम्प्रॉपर में करना है, फिर उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है, लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू द 3 होल नंबर 4/15 टू गेट 7 होल नंबर 3/10। इसमें क्या ऐड किया जाए, क्वेश्चन कह रहा है सेवेंथ, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स टू बी एड, माना कि एक्स ऐड करने पर हमें मिल जाएगा हमारा रिजल्ट, तो किस में ऐड करना है, 3 होल नंबर 4/15 में। सो एक्स प्लस या 3 होल नंबर 4/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 होल नंबर 3/10। ठीक है, मान लिया कि इसमें x ऐड करने पर हमें ये मिल जाता है, क्वेश्चन ये क्या है, 15 3 जा 45 प्लस 4 49 अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल टू 10 7 जा 70 प्लस 3 73 अपॉन 10। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ देयरफॉर x will be is equal to 73 upon 10 minus 49/15। मुझे इसका LCM लेना पड़ेगा, 30 होगा इसका LCM, ठीक है LCM 30 होगा, तो मुझे इसका LCM 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x will be equal to 3 3 9, 3 7 21 and 3 10 30 माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9 अपॉन 30। अब डिनोमिनेटर में 30 आ गया और न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 8 1, यहाँ पर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 219 माइनस 98, 9 8 1 एंड 11 9 2, Here it will be 121 upon 30। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 30 4 120, 1 will be remainder and 30 will be the denominator। So 4 whole number 1/30 is the, यहाँ पर लिखेंगे required number is 4 whole number 1/30। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 2.1 कर लेंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक जो भी हैं, ठीक है आप क्वेश्चंस करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।